चैनल ऑफ बड़ोदरा। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दिल्ली मॉडल अने आम आदमी पार्टी जूठाणा पर्दाफाश करता आंकड़ाओ रजू करवामां आव्या हता। वडोदरा सर्किट हाउस खाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता तेमज त्रण राज्यों प्रभारी पूर्व आईपीएस और पूर्व सांसद अजोय कुमार द्वारा पत्रकार परिषद आयोजन करवामां आव्यु हतुं, जेमां तेओ द्वारा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खोटा दिल्ली मॉडल अने आम आदमी पार्टी जूठाणा पर्दाफाश करता आंकड़ा रजू कर। आ पत्रकार परिषद में शहर प्रमुख ऋत्विक जोशी और विपक्षी नेता अमीर रावत साथ अन्य होद्देदारों हाजर रहा था। एम्बुलेंस बोलता है ना कि दिल्ली मॉडल। पहले 20 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थे, 20 को रद्द किया, सिर्फ 10 ही खरीदा, और कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। एक मैक्स हॉस्पिटल जितना एम्बुलेंस खरीदता वो 8 साल में जितना मैक्स ने खरीदा वो दिल्ली सरकार से भी ज्यादा। जितने लोग मरे थे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी में वो तो आप लोगों ने देखा होगा, वो तो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया कोविड के समय। गुजरात और दोनों भाई भाई, मैंने पहले से बोला था भाई भाई, गुजरात में भी वही हुआ, गुजरात में जो मौत हुई थी। अब करप्शन की बात आती, हम कट्टर ईमानदार कट्टर चोर हैं। भगत सिंह का नाम बेशरमी से जो इस्तेमाल करते हैं मुझे इसलिए गुस्सा आता है यार, 25 साल में जो देश के लिए शहीद हुआ उनके नाम को इतने आसानी से जो है छिटपुंजी लोग जो है इतने जो है छोटे छोटे लोग अपने नाम भगत सिंह बुलाने लगेंगे। सत्येंद्र जैन भगत सिंह हो गया है क्या? बेशरमी की कोई हद है? भगत सिंह के पिताजी 40 साल जेल में रहे, 40 साल में 25 साल जेल में रहे, आना जाना हुआ फादर, और उस आदमी के बारे में बोलते कि हम भगत सिंह है क्योंकि थोड़ा बहुत चोर। और चोरी के बारे में सुन लो, पहले जो है आप इसको बात समझ लीजिए, पहले 7% शराब के दुकान, उनसे पूछिए शराब बेचोगे कि नहीं गुजरात में, क्योंकि दिल्ली में तो हर चौक चौराहे पर मंदिर के सामने भी शराब का दुकान, हॉस्पिटल तो छोड़ दो, मंदिर के सामने भी कर दिया, मस्जिद के सामने भी कर दिया, हॉस्पिटल के सामने तो है ही। पहले 60% दुकान शराब के सरकार के पास थे, ठीक है, 40% प्राइवेट। अरविंद केजरीवाल कट्टर चोर वाली पार्टी 100, क्योंकि इस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है। और गुजरात की जनता पहले इनसे पूछे तेरे विचारधारा, तुम्हारे विचारधारा क्या है, जो गांधी का फोटो हटा सकता है, अंबेडकर का हटा सकता है, कल भगत सिंह को भी हटा देगा। तो ये है मोटा मोटी। और आपने सेक्रेट गेम्स, कितने काफी लोग ने सेक्रेट गेम्स देखा होगा, तो अरविंद केजरीवाल के लिए गणेश गायतोंडे ने एक डायलॉग बताया था, बहुत सरल। गणेश गायतोंडे जो सेक्रेट गेम्स का जो नवाज सिद्दीकी के रोल में, उसने कहा कि अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है, वो है अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोई सवाल है किसी इसी विषय पर? और कोई विषय पर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भी गुजरात से संबंधित होगा मैं हमारे सभी सीनियर साथी के। देखिए हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी के विचारधारा हो या हमारे, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, गोवा में हमारे 15 सीट्स में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो मैं क्यों बताऊं कौन अच्छे, दोनों खराब है। ऐसा नहीं, निशान जी, अनुज भाई, आवेद जी, किरण जी, चिराग जी, महेश जी, और हमारे बड़ौदा के सभी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी पर, और पता नहीं आप सब लोग तो जो बहुत छोटे होंगे लेकिन हमारे उम्र का अगर कोई लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो एक पुरानी पिक्चर थी अमर अकबर एंथनी,
तो एक डायलॉग था, तो ऐसा तो आदमी लाइफ में दो इच बार दौड़ता है, ऐसा तो आदमी लाइफ में दो इच बार, या अमिताभ का डायलॉग है, दौड़ता है, एक तो ओलंपिक रेस में या पुलिस के केस में। और आम आदमी पार्टी तो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो पुलिस का केस के चलते ये दौड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से इस देश में झूठ और प्रचार के माध्यम से भगत सिंह के नाम लेकर के ऐसी ऐसी कारनामे इस पार्टी ने की जो सचमुच में शर्मनाक, और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है भगत सिंह जी जैसे शहीद का नाम लेने में। सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं तो उसको भगत सिंह बोल देता है, मनीष सिसोदिया को कुछ भी बोल देता है, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से गुजरात के जनता और खासतौर से बड़ौदा के जो है प्रेस के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये 420 वाली पार्टी के बारे में जानकारी आपको जो है काफी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में होती है तो बड़ौदा के गुजरात के जनता को समझ में नहीं आता है। पहली बात हो गया, पहली बात है कि ये पार्टी अन्ना आंदोलन के समय कहा कि हम गांधी जी पर विश्वास करते हैं, आपको याद होगा अन्ना हजारे जी को ले आए थे, अब गांधी जी का ही फोटो हटा दिया। आपने देखा होगा गांधी जी का फोटो इनके कार्यालय में कहीं नहीं है, तो बेशरम लोग हैं कि गुजरात में आकर के इस देश के राष्ट्रपिता का फोटो हटाते हैं और अंबेडकर का डाल दिया। पहले जो था डिपॉजिट था 25 लाख रुपए, ताकि छोटे छोटे लोग डिपॉजिट देकर के दुकान चला सके। अरविंद केजरीवाल कट्टर चोर वाली पार्टी ने 5 करोड़ कर दिया, 5 करोड़ क्यों बताइए, ताकि बड़े बड़े लोग सिर्फ उसमें जो है टेंडर डाल सकते। सेटिंग, आप सुनिए असली खेल क्या है। और आपको बड़ौदा के परिपक्व पत्रकार लोग को थोड़ा सा गंभीरता पर, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा नहीं है, मैं समझा दूंगा सरल तरीके से। 750 की ml की देशी शराब, आपको तो मालूम नहीं होगा दाम, क्योंकि हम तो दिल्ली से हैं तो सब चीज का दाम जानते हैं, 370 रुपए के आसपास था, ठीक है, 750 ml इंडियन मेड लेकर 370 रुपीज, 40 रुपीज के आसपास प्रॉफिट था मैन्युफैक्चरर को, बनाने वाले को, रिटेल विटेल सब। 330 रुपए था टैक्स, 180 रुपए एक्साइज, और 160 रुपए के, 120 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास वैल्यू एडेड टैक्स, मोटा मोटी बॉटल के ऊपर है, लेकिन ये नॉर्मल फिगर है, ठीक है, 330 रुपए। अरविंद केजरीवाल इसको 2 रुपए कर, 330 रुपए का टैक्स को 2 रुपए कर दिया, कट्टर चोर है। आप सोच लो अपने घर पर डाका, भाई साहब सरकार का खजाना तो अपना ही खजाना है ना, मुख्यमंत्री का क्या जिम्मेदारी होती है, अपने बैंक में घर पर डकैती करेगा क्या? टैक्स क्या होता है, जनता का कमाई, ताकि उस टैक्स से आप जनता का जो है भलाई करोगे। तो पहले हर बोतल पर दिल्ली में 330 रुपए का टैक्स मिलता था, अरविंद केजरीवाल ने उसको कितना किया, 2 रुपए। तो 327 रुपए और 28 रुपए के बीच में जो टैक्स का पैसा था वो कंपनी को प्रॉफिट में चले गया, क्योंकि बोतल की दाम कम नहीं हुई। खेल आप समझ लोगे ना, आप बोलोगे कि टैक्स कम हुआ था तो शराब पीने वालों को फायदा हुआ, नहीं 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 ऐसा नहीं किया उसने, क्या शराब पीने वाले को तो वही पैसा देना पड़ा, कंपनी को फायदा हुआ जो कंपनी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पैसा दिया, पर बॉटल 327 रुपीज पर बॉटल, 750 ml, और दिल्ली में पता नहीं कितने ml बिकते हैं, मुझे लगता है कि 10 करोड़ के आसपास ml बिके होंगे, तो आप उसका हिसाब लगा दो कि कितना कमाया होगा कट्टर चोर वाली पार्टी। क्लियर है?
पर बॉटल। पूछे जब आएगा, जब ऑटो में बैठेगा तो पूछे कहां गया पैसा, जनता का पैसा है। लेकर स्कैम हुआ तो वापस ले लिया, अगर कट्टर ईमानदार होते तो क्यों। और अरविंद केजरीवाल पुराने इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, बहुत चालाक है, एक फाइल पर साइन नहीं करता। जेल जाएगा मनीष सिसोदिया, जेल जाएगा सत्येंद्र जैन। बाय गॉड, आप केजरीवाल को समझो, कोई एक भी विभाग उसके अंडर नहीं है। हम भी सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी जानते हैं। तो सरकारी ऑफिसर क्या करता है, कभी अपने फाइल पर, बड़े लोग जो है सीनियर ऑफिसर साइन नहीं करते, नीचे से साइन करा देते, हाँ या ना, यही है खेल। मनीष सिसोदिया साइन किया। सवाल है किसी इसी विषय पर, और कोई विषय पर नहीं, क्योंकि उसके बाद जो भी गुजरात से संबंधित होगा मैं हमारे सभी सीनियर साथी के। देखिए हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ, बीजेपी के विचारधारा हो या हमारे, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, गोवा में हमारे 15 सीट्स में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब, ये तो मैं क्यों बोलता हूँ कौन अच्छे, दोनों खराब है। ऐसा नहीं, आप बोल रहे हो कि आप अपने वोट काटते हैं, तो उसके लिए आपका क्या, आप क्या आयोजन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। पहली बात देखिए भाई साहब, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में बताने के लिए आया था, हम तो आयोजन कर ही रहे हैं, डोर डोर कर रहे हैं, हम जाएंगे दरवाजे, हर दरवाजे में खटखटाएंगे। लेकिन इस देश की जनता समझना आना चाहिए कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा पर खड़ी। हम हैं गांधी के पार्टी के, महात्मा गांधी के पार्टी है, पंडित नेहरू और सरदार पटेल के पार्टी है। हम विश्वास करते हैं कि देश में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, माइनॉरिटी के लोग को जो है हम लोग खास ध्यान, गरीब लोग को खास ध्यान देते हैं। हम मनरेगा वाली पार्टी है, हम मिडिल क्लास वाली पार्टी है, ये दोनों उद्योगपति वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी से आपको डर लग रहा है? नहीं भाई साहब, आपको यही प्रॉब्लम है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बेनकाब करते तो हम तो पॉलिटिशियन है। हमारा काम तो एक तो आपको आपको बताना भी ना, हम कल बीजेपी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं 3 दिन बाद राजकोट में बीजेपी पर करने वाला हूँ। आज आया था सिर्फ आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का मैं देख रहा था इतना बकवास चल रहा था, मैंने कहा कुछ तो बता दो, आप लोग को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऑटो में बैठने वाला जो है दिल्ली में कभी ऑटो में बैठता नहीं है, यहाँ पर ऑटो का 2 करोड़ का गाड़ी में बैठता, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए ना। उस पार्टी के बारे में जो क्या बात करेगा जो गांधी का फोटो हटा रहा है, बेशक राष्ट्रपिता का फोटो हटाना, लेकिन गांधी वाली के नोट पर गांधी जी का नोट पसंद आ रहा है। नोट का गांधी जी का फोटो ठीक है, पीछे गांधी जी का फोटो हटा रहा है, नोट तो ठीक है, शराब वाला कांड। बहुत सारे लोग जाते हैं, विचारधारा तो विचारधारा मजबूत है, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग आए भी। अभी तो यार भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्वाइन किया था ना परसों, कल अहमदाबाद में मैं देख रहा था कोई ज्वाइन किया, पूर्व मंत्री जी कांग्रेस विचारधारा में सम्मिलित हो गए, ठीक है। मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा वो भारत के विचारधारा, कांग्रेस पार्टी कोई भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति हर वर्ग, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक ऐसा संस्थान बनाया था पंडित नेहरू या सरदार पटेल, जो सबके लिए जगह इस पार्टी। सर पिछली जो चुनाव था विधानसभा चुनाव, उसमें आपने बीजेपी को 99 सीट पे ला दिया था, राइट? आप थोड़ा सा चुप है? नहीं चुप नहीं, इस बार थोड़ा सा और मेहनत की होते तो अगर और आप बीच में ना आती तो शायद नहीं, आपका बहुत अच्छा चांसेस था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपको आप पे स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हवा बनाई है यहाँ पे इन लोगों ने, राइट? तो ये क्या सर एक स्ट्रेटेजी
पैदा किया जा सके कि ये लड़ाई जो है बीजेपी और आपकी लगे? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना सिक्किम त्रिपुरा ने नागालैंड ना जे इंचार्ज छे डॉक्टर अजय कुमार जे पूर्व सांसद छे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर छे, सीडब्ल्यूसी ना परमानेंट इनवाइटी मेंबर छे अने झारखंड राज्य ना पूर्व प्रदेश प्रमुख छे। अपनी वच्चे अहींया उपस्थित छे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तरफ थी आजे अहींया वडोदरा प्रेस कॉन्फरेंस ने संबोधन करवा आव्या छे। आपका भी स्वागत है सर। थैंक यू वडोदरा। अपनी वच्चे अपना वडोदरा विरोध पक्ष नेता अमीबेन रावत छे, महिला कांग्रेस प्रमुख नीलाबेन शाह छे, प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता भाई श्री निशांभाई रावल, अनुज भाई नगर सेठ, तमाम मित्रों जावेद भाई, चिराग भाई, महेश भाई बधा अमारा कांग्रेस आगेवानो अहीं उपस्थित छे। तो वधारे समय ना बगाड़ता आपणे आजनी जे महत्वना विषय पर जे प्रेस कॉन्फरन्सनुं आयोजन कर्युं छे, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ वी आर स्टार्ट। सबको पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ऋत्विक जी, परम आदरणीय अमी बहन जी, नीला जी, सुधा जी, निशान जी, अनुज भाई, रावेद जी, किरण जी, चिराग जी, महेश जी और हमारे बड़ौदा के सभी। आज का प्रेस